नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रीमियर में प्लगइन्स को कैसे यूज में लोगे। तो जो मैं आज प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत एसेंशियल है, मीन्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसे हम लोग बोलते हैं मोशन ब्रो। तो मोशन ब्रो एक ऐसी प्लगइन्स है जिससे आप टाइटलिंग कर सकते हो, इवन तो आप उसमें म्यूजिक डाल सकते हो, एंड देन आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हो। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं मोशन ब्रो में जो आप यूज़ में ले सकते हो, और ये एक प्लगइन्स है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ को या किस तरह से आप मोशन ब्रो को यूज़ में लोगे प्रीमियर पे। तो सीधा चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन ब्रो को किस तरह से हम लोग यूज़ में लेंगे प्रीमियर पे। तो सबसे फर्स्ट, आप जब भी प्रीमियर में जाओगे, अगर आपको इंस्टॉल करनी है अपनी सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी कोई भी प्लगइन, तो आपको जाना है यहाँ पे विंडो में। विंडो के अंदर में आपको मिलेगा एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशन के अंदर में आप देख सकते हो, जैसे मेरा यहाँ पे मोशन ब्रो 3.20 है, 2.1 है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे यूज़ में लेंगे, तो सबसे फर्स्ट ये है कि मोशन ब्रो जो है आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, यहाँ पे जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर यहीं से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। मोशन ब्रो के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स बहुत कुछ मिलते हैं, प्रीसेट्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर प्लगइन्स वगैरह मोशन ब्रो के। ओके, तो इधर मैं आपको यहाँ से लिंक शेयर भी कर दूंगा, एंड देन मेरे पास जो फाइल है मैं उसको शेयर कर देता हूँ अपने जी ड्राइव में या गूगल ड्राइव के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, इसको यूज़ में कैसे लेने हैं या फिर इसको इंस्टॉल कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मोशन ब्रो के फाइल्स हैं, तो आपको दो तीन फाइल्स ही मिलेंगे। फर्स्ट फ्री प्रीसेट्स हैं, एक हमारा यहाँ पे ए स्क्रिप्ट्स हैं, एंड देन यहाँ पे मोशन ब्रो का 3.20 है। तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करने हैं यहाँ से कुछ ऐसा, तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर लो। एंड देन आपको यहाँ पे क्या होएगा, जब भी आप इंस्टॉल कर लोगे इस चीज़ को, तो फिर आपको यहाँ पे फाइल में जाके इस वाले फाइल को पिक कर लेना। दैट्स इट, इतना ही अभी आपको करने हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे फाइल आपको मिलेगा, फाइल में जाना है, एंड देन फाइल को ओपन कर लेना इस चीज़ को, मोशन ब्रो 3.zxp को। ओके, तो उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाए तो, और एक बात याद रखना, जब भी आप वर्क में लोगे प्लगइन को, तो आप किसी डी ड्राइव या ई ड्राइव में पहले आप सेव कर लेना एक फोल्डर बनाकर, उसके बाद ही आप इस पे वर्क करना, बिकॉज अगर ये कहीं पे भी आप शिफ्ट कर दोगे तो ये वर्क करना बंद कर देता है। तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पर। तो प्रीमियर में आने के बाद आप यहाँ पर जाओगे विंडोज़ में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस के अंदर में आपको मिलेगा मोशन ब्रो, तो फर्स्ट आप क्लिक कर दो मोशन ब्रो को। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं सारे कुछ। तो कुछ इस तरह से आपको मोशन ब्रो मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे गैलरीज मिल रहे हैं मोशन ब्रो के, लाइक फुल विजन यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंस है, बैकग्राउंड वगैरह है, आप इसको भी यूज़ में ले सकते हो, ग्राफिक्स हैं, टाइपोग्राफी है, आप जैसा देख सकते हो, लाइक्स वगैरह अगर आपको चाहिए होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ट्रांजिशन डिवाइस बीजी। तो कोई भी आप यहाँ से पिक कर लो, एंड देन अपने वर्क में लोगे। आप लोगे कैसे वर्क में वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाने हैं, एंड देन तो आपको कैसे यूज़ में लेना वो मैं बताता हूँ। तो अब जैसे कि मान लो कि मुझे फर्स्ट ट्रांजिशंस अप्लाई करने हैं इसके ऊपर में, तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसको यूज़ में आप लेने के लिए बहुत ही इजी वे में आप ले सकते हो इसे। फिर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, तो जहाँ पे भी आपके ये स्लाइडर रहेंगे वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो इसे बहुत ही इजी वे में। अब जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिवाइस में जाता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिवाइस में जाकर मैं अब मैं जैसे ट्रांजिशंस में जाता हूं, तो आपको देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रांजिशंस यहां पे आ रहे हैं। तो आप कोई भी ट्रांजिशंस यहां पे यूज़ में ले सकते हो। अब जैसे कि मान लो मैं यहां पे कोई एक ट्रांजिशंस को मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रांजिशन जस्ट सेलेक्ट करो, आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई होते जा रहे हैं, राइट। तो आपको जस्ट क्लिक करने हैं, जैसे होवर करोगे अपने माउस को तो वैसे वैसे ट्रांजिशंस के म्यूज़िक भी आएंगे। सी, ओके, कुछ ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट, बहुत सारे इसमें सारे मेरे फेवरेट ही हैं, बट अलग अलग जगह पे यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि मान लो मैं इससे क्या करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे,
तो जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस प्लस करो, आपको यहाँ पे मिल गया आपके फाइल ओके, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट ये प्रॉपर जगह पे है नहीं, मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन इन बिटवीन दोनों फाइल प्लस प्लस करो एंड देन दोनों के बीच में रख देता हूँ, राइट ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे रेड आ गए हैं, यानी कि आपको इसको कंपाइल करना है या फिर आपको यहाँ पे सीधा एंटर प्रेस करके इसको फर्स्ट रेंडरिंग प्रीव्यू में कन्वर्ट कर लो। तो अब आप देख सकते हो, एक बार रेंडर प्रीव्यू हो जाए तो आप आराम से देख सकते हो कि मेरा ट्रांजिशन कैसे वर्क में ले रहा है, मैं कैसे ले रहा हूँ ट्रांजिशंस को। सी ओके, तो बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पे ले सकते हो ट्रांजिशन को कुछ ऐसे ओके। एंड देन आप देख सकते हो कि ग्राफिक के अंदर में आपको बहुत सारे ऐसे टाइटल्स मिल जाते हैं कि जो टाइटल आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस में। लाइक मैं जैसे कि मान लो आपका यूट्यूब चैनल है तो आप 5K के लिए आप किसी को थैंक्स बोल रहे हैं, वी लव यू एंड देन समथिंग 5K, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे टाइटलिंग है ओके। तो मीन्स जैसे भी ग्राफिक्स में ही काउंट होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो आप कुछ भी ले लो यहाँ से, जो भी आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं ले लेता हूँ, ये अप्लाई कर देता हूँ 5K। तो आप देख सकते हो कि आप 5K भी आ गए हैं, फाइन। तो आपको जहाँ पे भी चाहिए होगा आप सिंपल सा उसको वहाँ पे ट्रैक कर दो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से 5K, वी लव यू एंड देन आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो यहाँ पे एंड देन आप चले जाओ यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर में, आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मीन्स आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। लाइक अगेन अगर मैं चाहूँ यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना, तो लाइक यहाँ पे जैसे वी लव यू है तो आप लिख सकते हो थैंक्स फॉर सपोर्ट, ऐसा कुछ लाइक थैंक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया लव की जगह में मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर एंड देन नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो यहाँ पे एंड देन यू की जगह में लिख दिया सपोर्ट ओके। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप बहुत ही इजी वे में यहाँ पे बना सकते हो। सी एंड देन क्लिक करो यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे थैंक्स की जगह में यहाँ पे मैंने जो थैंक्स का फॉन्ट है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट ले लूँ, लाइक ऐसा कुछ ले लूँ। एंड देन यहाँ पे अगेन 4 के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं चेंज कर देता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा एंड देन सब अगेन यहाँ पे क्लिक करके मैंने कुछ ऐसे ले लिए। तो बिल्कुल आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, इवन दो टेक्स्ट के साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 300, तो मैंने यहाँ पे 300 कर दिया थैंक्स को, 4 को भी मैं कर लेता हूँ 300 एंड देन यहाँ पे मैं इसे भी कर लेता हूँ 300 ओके। तो आप देख सकते हो कि आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपका टेक्स्ट आएगा आप यहाँ पे कर सकते हो, आप लिख सकते हो थैंक फॉर सपोर्ट, तो कुछ ऐसा सी ओके। तो बोलने का मतलब है भी कभी भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ओके। तो बहुत कुछ है यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए आपको ओके। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस में। कुछ इस तरह की अगर आप बनाना चाहते हो, लाइक आप मोशन ग्राफिक काइंड ऑफ थिंग बनाना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। देखो क्या है कि इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रीमियर एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स दोनों पे ही वर्क करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ दोनों जगह पे यूज़ में ले सकते हो। अब जैसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जो मेरे डायलॉग हैं जो मैं बोलता हूँ, तो आप उस तरफ में ये भी ले सकते हो। जस्ट क्लिक कर दो एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक करने का भी आपका ऑप्शन आ जा रहा है। सी कुछ इस तरह से ओके। इवन दो चैनल नेम भी आप दे सकते हो, मीन्स बहुत कुछ है यहाँ पे। आप जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करने हैं एंड देन अप्लाई कर दो सिंपल सा। तो जहाँ पे भी आप चाहो वहीं पे आप लेकर आ सकते हो इन सभी चीज़ों को। सी जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया चैनल नेम भी मुझे चाहिए होगा, प्लस प्लस कर दो। मैंने यूट्यूब का मेरा जो चैनल का नाम है मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। लाइक मैंने लिख दिया ड्रीम सिटी ट्यूटर ओके। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो नया फॉन्ट है, जो मैंने फॉन्ट अभी जो चेंज किया है, जो प्रीवियस हमारे जो टेक्स्ट थे उसको मैंने रिप्लेस करके ड्रीम सिटी ट्यूटर कर दिया है। एंड देन आप चाहो तो चेंज कर दो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो सब बोल्ड पे नहीं रखना है, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए थे जो मेरा एक्चुअल मेरा चैनल का नाम है। एंड देन टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाकर
टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग थोड़े डिफरेंट टेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा आ गया अपने YouTube चैनल के बारे में, जो हमारा जैसा भी आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, ओके। तो आप यहाँ से बहुत कुछ आप ले सकते हो, ट्रांजिशन डिवाइस सभी कुछ आपको मिल जाएंगे, बैकग्राउंड सी ये स्टॉप मोशन के लिए बहुत यूज़ कर सकते हो, शेप्स हैं, मीडिया है, वेदर रिपोर्टिंग है या वेदर के बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, HUDs हैं, ये बहुत यूज़ होते हैं लाइक अगर आप किसी टेक्नो वाले चीज़ में काम कर रहे हो, साइबर पंक वाले स्टाइल में कुछ करना चाहते हो तो आप ये भी यूज़ में ले सकते हो, बहुत यूज़फुल हैं। एलिमेंट्स हैं तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ओके। कुछ इस तरह से टेक्नो स्टाइल में कुछ चाहिए होगा तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, फाइन। जस्ट आपको क्या करना है, आप क्लिक कर दो एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे सी एंड देन आप देख सकते हो। बट आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करने हैं तो एक बार एंटर प्रेस कर दो, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जो भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो बहुत ईजीली यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो, सी पूरे टेक्नो स्टाइल में पूरे का पूरा आप बना सकते हो HUD को लेकर, ओके। तो ये देखो किस तरह से हम लोगों ने इसको वर्क में लिया है कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ साइबर स्टाइल में दिख रहा है, कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में, कुछ साइंटिफिक स्टाइल में हमें यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रहा है HUD वगैरह। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो हमारे इस वीडियो को। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन मोड में कि आप जैसे कुछ इस तरह से वर्क में ले सकते हो जितने भी हमारे मोशन ब्रो के प्लगइन्स में जो भी अवेलेबल हमारे हैं सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो बहुत यूज़फुल है ये HUDs एंड सारी कुछ जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं सारी चीज़ें आपके बहुत यूज़ में हैं। तो आप इससे बहुत ही ईजी वे में सारे प्रोजेक्ट को आप आप सारे प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट कर सकते हो, बहुत हेल्प करते हैं ये जो भी चीज़ें जितने भी ऑप्शंस हैं जितने भी यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल रहे हैं बहुत यूज़फुल हैं, एंड देन आप अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो या बना सकते हो ऐड कर सकते हो। तो ये तो आज हमारा मोशन ब्रो के ऊपर में पूरे का पूरा वीडियो, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, आई होप कि आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।